क्या बात है हकीम साहब, आप हमें खबर क्यों नहीं करते? हमारे वालिद साहब की तबीयत का क्या हाल है? जान की सलामती हो तो अर्ज करूं। जी फरमाइए। सुल्तान की नब्ज रुक रही है। क्या? वो चंद घंटों के मेहमान हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि खानदान के सभी लोगों को उनसे मिल लेना चाहिए। हाय अल्लाह। आखिर मामला क्या है? बादशाह अब चंद लम्हों के मेहमान हैं बेगम साहिबा। हाय अल्लाह, तो फिर आप वैसा ही कीजिए जैसा कि तय हुआ था। जी यही सही वक्त है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। सुल्तान से कहकर शहजादे रुकनुद्दीन को नया सुल्तान ऐलान कर देना चाहिए। मलिक अलाउद्दीन जानी साहब जी, इस आशय का शाही फरमान तो आपने बनवा लिया है ना? खुदा सुल्तान को सलामत रखे, हमने शाही फरमान बनवा लिया है। ये देखिए जनाब। वजी साहब, हमारी तरफ से आप ही है बात सुल्तान के सामने रखे तो बेहतर होगा। हमारी भी यही राय है वजीर साहब। वक्त की नजाकत को देखते हुए हमें और देर नहीं करनी चाहिए। वजीर साहब, मुल्क को सुल्तान तो मिलना ही चाहिए। चाहिए। वैसे सल्तनत के कायदे के मुताबिक यह सिर्फ एक रस्मी कवायद है, मगर सुल्तान के हाथों यह हो जाए तो आवाम में शको शुभ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, वाजिब फरमा रहे हैं अमीर सलाजी साहब, लेकिन हम जिसे सुल्तान बनाने पर अमादा है वह खुद कहाँ है? कम से कम इस वक्त तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था। शहजादे अपने कमरे में ऐश व इशरत में डूबे होंगे। वजीर साहब, आप उन्हें बुला भेजिए। खिदमतगार। जी हुजूर। जाओ जाकर शहजादे रुकनुद्दीन और बहराम शाह को सुल्तान के कमरे में आने की इत्तला कर दो। जी हुजूर। वजीर साहब, हमें उन दोनों के आने का इंतजार करना चाहिए, तभी तयशुदा तरीके से अपनी बात सुल्तान के सामने रखेंगे तो बेहतर होगा। जी बेहतर। एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। हम खुदा के बंदे इस दुनिया में वापस जाकर उन्हीं से मिलना है, तो फिर इसमें रोने या दुख मनाने की क्या बात है? मेरे बाद इस सल्तनत की भागदौड़ को तुम्हें ही अपने हाथ में लेना है। अगर तुम हौसला नहीं रखोगी तो इसे कौन संभालेगा? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे अब्बा हुजूर, कुछ नहीं होने देंगे अब्बा हुजूर आपको। हकीम साहब, क्या हुआ हमारे अब्बा हुजूर को? हकीम साहब, कायनात के आखिरी कोने तक जाकर दुनिया की महंगी से महंगी दवाई क्यों ना लानी पड़े, हमारे अब्बा हुजूर के लिए वो मंगाई जाए। खुदा से भी प्यारे हमारे अब्बा हुजूर को कुछ नहीं होना चाहिए। हकीम साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं शहजादे, बाकी तो खुदा के हाथ में है। सुल्तान की खिदमत में सल्तनत के सभी हकीम और वैद लगे हुए हैं, उन्हें तरह तरह की दवाई दी जा रही है। अगर मुझे नहीं लगता कि उन्हें सिर्फ दवा की जरूरत है,
उन्हें दुआ की भी जरूरत है। अल्लाह रहम फरमाए। अब्बू हुजूर, क्या हुआ आपको? अब्बू हुजूर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। सुल्तान, खुदा आपको लंबी उम्र दे, जान की सलामती हो। तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ सुल्तान, काफी लंबे वक्त से आपकी तबीयत नासाज चल रही है, ऐसे में सल्तनत के कामकाज रुके पड़े हैं, कई खास मसलों पर हमें जल्द से जल्द फैसला लेने की दरकार है। अगर आप दुरुस्त समझें तो हम अमीरों की राय में यही सही वक्त है कि आप अपना वारिस मुकर्रर कर दें। वैसे भी सल्तनत के उबाऊ और थका देने वाले मामलों से अब आपको दूर ही रहना चाहिए और बाकी की जिंदगी आराम से बसर करनी चाहिए। हमारी भी यही राय है सुल्तान। आप बड़े शहजादे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना वारिस मुकर्रर कर दें। हमने इस आशय का शाही फरमान भी बनवा लिया है। ये शाही फरमान आपके दस्तखत चाहता है सुल्तान। हम वक्त की नजाकत को अच्छी तरह समझते हैं। वजीर निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनेदी साहब और इस मामले में अपना आखिरी फैसला भी कर चुके हैं। हमने और हमारे बुजुर्गों ने इस सल्तनत की इमारत बड़ी मेहनत से तामीर की थी। ये आगे भी न सिर्फ कायम रहे बल्कि फलती फूलती रहे, इसलिए हम चाहते हैं इस सल्तनत को ऐसा वारिस मिले जो न सिर्फ यहाँ की तहजीब समझता हो बल्कि उसके दिल में आवाम के लिए मोहब्बत भी हो। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हुजूर, शहजादे रुकनुद्दीन हर तरीके से काबिल हैं, वे आपके बाद सल्तनत की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। हमें अपनी बात पूरी करने दी जाए। हमारे ख्याल से हमारी सारी औलादों में सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन सबसे काबिल थे, मगर वो बहुत कम उम्र में खुदा को प्यारे हो गए। अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे या अल्लाह। उसके बाद हमारी बेटी रजिया ही इस सल्तनत का सुल्तान बने, ऐसा हमारा यकीन है। वो बहादुर बुलंद हौसलों वाली दानिशमंद और नेक दिल है, लिहाजा मेरा फैसला है कि हमारे बाद रजिया को इस सल्तनत का सुल्तान बनाया जाए। इस आशय का शाही फरमान आप हमारे सामने पेश करें, हम उस पर दस्तखत कर देंगे। या अल्लाह। गुस्ताखी माफ है हुजूर, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं सब करना ठीक नहीं होगा। सल्तनत कोई पर्दे के पीछे बैठकर चलाने वाली चीज नहीं है, उसके लिए दरबार लगाने पड़ते हैं, लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, आवाम के बीच में जाना पड़ता है। क्या ये सब रजिया कर पाएंगी? वैसे भी रिवाज के मुताबिक सल्तनत शहजादों को ही मिलते रहे हैं,
और यही करना वाजिब भी होगा। और दूसरी बात ये कि अभी तक ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता जिसमें सल्तनत किसी शहजादी ने संभाली हो। सुल्तान, आप हमें न सिखाएं क्या करना वाजिब होगा और क्या नहीं। हमने सब कुछ जहन में रखकर यह फैसला लिया है, हमारी शहजादी रजिया दिलेर दानिशमंद और नेक दिल है, कि सुल्तान बनने के काबिल है। और रही महिलाओं के सुल्तान बनने की, तो तारीख में ऐसे वाक्य मिलते रहे हैं, और अगर ऐसा कोई वाकया ना भी रहा हो तो नई रवायत तो बनाई जाती है। एक रवायत ये भी सही अम्मी हुजूर, अब्बा हुजूर, ये क्या कर रहे हैं? ये रवायत के बिल्कुल खिलाफ है, आप इन्हें जाकर समझाते क्यों नहीं? सुल्तान, आप हमारी आन बान और शान हैं। हमने ताऊ आपके फैसलों को सर आंखों पर रखा है, लेकिन अब आप ये जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं। आप इस पर एक बार फिर गौर फरमाएं। हमने अच्छी तरह सोच लिया है बेगम, काश कि हमारा बड़ा बेटा नासिरुद्दीन आज जिंदा होते, या फिर आपके बाकी बेटे नासिरुद्दीन के जैसे काबिल होते तो हमें यह फैसला नहीं लेना पड़ता। लेकिन आप तो जानती हैं, आपके दोनों बेटों को सल्तनत से ज्यादा अपनी ऐश परस्ती ज्यादा महबूब है। ऐसे में रजिया का सुल्तान बनना ही वाजिब होगा। आप ऐसा करके गलत नजीर पेश कर रहे हैं। तारीख में औरतों को घर से बाहर निकलने का हुक्म नहीं है, वो कोई बाजार की चीज नहीं है। सुल्तान, आपने भी तो सारी उम्र पर्दे के पीछे सल्तनत के मामलों में दिलचस्पी ली है, और कई खास मसलों पर हमने आपके राहों पर अमल किया है, तो जो काम आप सल्तनत के लिए पर्दे के पीछे करती थी वही काम रजिया पर्दे के सामने आके करेंगी, तो इसमें गलत क्या है? वो पर्दे के पीछे की बात नहीं हुजूर, यहाँ रजिया को भरी मजलिस में सबके सामने दरबार लगाना होगा, लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, सल्तनत के काम काज के सिलसिले में न जाने किस किस तरह के लोगों से मिलना होगा। ये सब औरतों के लिए मुफीद नहीं है। हमने अच्छी तरह सोच लिया है बेगम, हमारी बेटी रजिया ये काम बखूबी कर सकती है, आप उसकी फिक्र ना करें। आप जिद ना करें, जरा अपने बेटे की तरफ देखें, उसके बारे में सोचें, लोग क्या कहेंगे? हर तरफ तरह तरह की बातें होंगी, इसका उसके दिल पर क्या असर पड़ेगा? वो जीते जी मर जाएगा हुजूर, आखिर वो भी तो आप ही का खून है। सल्तनत के फैसले जज्बातों में नहीं ले जाते बेगम, रुकनुद्दीन हमारे खून है, मगर यहाँ की आवाम के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने खून के लिए अपनी आवाम को रुसवा नहीं कर सकते। बेटी रजिया, जो यकीन हमने तुम पर जाहिर किया है
और जो उम्मीदों का पहाड़ तुम पर लादा है उस पर खरा उतरना, हमारे बाद हमारी सल्तनत की जिम्मेदारी खूबखूबी संभालना। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। जी अब्बा हुजूर। अल्लाह हाफिज। Sultan. Na lillahi. Abba Huzur.